हरी साग सब्जियों का सेवन हर किसी के लिए रामबाण औषधि मानी जाती है, लेकिन अगर हम हरी साग सब्जियों में से मूली की बात करें तो कुछ लोग मूली को सलाद में अधिक खाना पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ लोग सर्दियों के मौसम में मूली के पराठे का अधिक सेवन करते हैं। लेकिन अगर आप सर्दियों के मौसम में मूली का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर को काफ़ी बेमिसाल फायदे होते हैं, जिससे आप अभी तक अनजान हैं, क्योंकि मूली में पोटेशियम, फोलेट, नाइसिन, विटामिन के, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन B6 जैसे पोषण तत्व मौजूद होते हैं। तो वहीं आगे आपको बताते चले कि मूली में विटामिन सी मौजूद होने के कारण ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए वरदान साबित होती है। इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे आप बीमारियों से आसानी से लड़ सकते हैं और गंभीर बीमारी की चपेट में आने से बचे रहते हैं। तो वहीं अगर लाल रक्त कोशिकाओं की बात की जाए तो मूली आपके लाल रक्त कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाती है, जो एक बेहतर उपाय है। तो बेहतर होगा आप मूली का सेवन करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि रोज ना करें तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार मूली का सेवन कर सकते हैं, जिससे आप अपनी कई समस्याओं को आसानी से मात दे सकते हैं। तो वहीं आगे आपको बताते चलें कि मूली का सेवन आपके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को भी बढ़ाने में बेहद मददगार साबित होता है। हालांकि मूली पानी का एक अच्छा स्रोत भी माना जाता है, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा भी करता है, साथ ही आपका पाचन तंत्र बेहतर तरीके से कार्य करता है। तो बेहतर होगा आप इन सर्दियों के मौसम में मूली का सेवन करना ना भूलें। क्यूरन हेल्थ डेस्क से रानी की रिपोर्ट।